नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें दी गई है ये इक्वेशन, इसको भी हम ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व कर लेंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री एंड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स एंड माइनस एक्स माइनस फाइव। अब हम यहाँ पर इन सभी टर्म्स को एलएचएस में ले जाएंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 4x हो जाएगा पॉजिटिव, तो इधर आके नेगेटिव 4x एंड ये नेगेटिव 5 पॉजिटिव 5। ओके अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन माइनस फोर तो माइनस इलेवन एंड दिस इज 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म मिल रही है। दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, हैंस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके हमें यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, दैट मीन्स जो गिवन थी ये फॉर्म भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म है। ओके इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। पहले हम LHS को एज इट इज लिख लेते हैं। LHS में कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो इसको एज इट इज रखा। ओके इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू। ओके सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। अब हम देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। इन सभी टर्म्स को हम यहाँ पर ले आए तो प्लस फोर एक्स माइनस फोर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब हम देख सकते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो ए एक्स स्क्वायर आना था, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की जो टर्म आनी थी नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ, वो नहीं आई है। ओके यहाँ अगर हम लिखें तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए कितना हुआ, जीरो, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन में फुलफिल नहीं होता है। ओके सो दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहां पर ए जीरो नहीं होना चाहिए। ओके हेंस दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके अब हम इस पार्ट को भी आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। यहां पर है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब को अगर ओपन करते हैं तो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको यहाँ पर हम ए एंड बी को एक्स एंड टू मानकर इसको ओपन करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस टू इंटू थ्री इंटू एक्स इंटू टू एंड ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस टू। तो ये हुई LHS, और सामने RHS को भी हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 2x क्यूब एंड माइनस 2x। ओके तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज कर ली है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, x क्यूब 8, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6x, x प्लस 2, 2x क्यूब। इन दोनों टर्म्स को अगर हम RHS में ले जाएं तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब हम ये देखेंगे एक्स क्यूब यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब बचा, प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर सिक्स एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पर फोर्टीन एक्स आया और एट इक्वल्स टू जीरो। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के साथ साथ यहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म भी है। दैट मीन्स इस इक्वेशन की जो डिग्री हुई वो कितनी हुई, 3। तो इस इक्वेशन की जो फॉर्म है, दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. हेंस दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अब इस क्वेश्चन में भी हम यहां पर आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे. एनएचएस को हम एज इट इज रखेंगे एंड आरएचएस में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होता है, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी. ओके, तो यहां पर भी हम a की जगह x और b की जगह 2 रखेंगे. तो x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2. ओके, इसको हम ओपन कर लेंगे. x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x क्यूब माइनस 8 एंड 3 टू द 6, तो ये 6x हुआ. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 12x. अब हम देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी सभी टर्म्स को हम LHS में ले आएंगे. माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा 2x स्क्वायर, x की टर्म्स है माइनस x माइनस 12 तो 13x एंड यहाँ पर हुआ 9 इक्वल्स टू 0. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था वो एक तरह से देखने में लग रहा था कि क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन जो क्यूब वाली टर्म थी, जो 3 डिग्री वाली टर्म थी, वो कैंसिल हो गई. उससे जो बची हुई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है. ओके, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. हेंस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन द आंसर. ओके, तो इस तरह से हमारे पास इन 8 ये जो हमें पार्ट्स दिए गए थे इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड हो गए हैं. सॉल्यूशन हमें करने के बाद हम देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है. ओके, यहाँ पर हमें मेनली इस फॉर्म पर ध्यान देना है. इस पूरी फॉर्म में हमें मेन पार्ट है ए एक्स स्क्वायर आना चाहिए. ए एक्स स्क्वायर से बड़ी डिग्री की कोई टर्म नहीं रहनी चाहिए, उसके छोटी डिग्री की कोई टर्म चाहे हो चाहे ना भी हो, लेकिन हमें ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए. ओके, तो इस तरह से हमने सभी पार्ट्स में इस चीज को कैसे चेक करते हैं ये सीख लिया है. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.